हेलो गाइस, तो सीसीएमडी की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई है। आज यानी कि 5 अप्रैल से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2-4 दिन का समय ले लीजिए, आप उसके बारे में पहले पूरे डिटेल में समझ लीजिए, आपको वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट के थ्रू, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था कि आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तो उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट के थ्रू। तो मैंने कोशिश की थी कि आपको कमेंट के थ्रू उनका जवाब दे सकूँ। बाकी कुछ जो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे में मैं कमेंट में जवाब नहीं दे सकता था, तो उसके लिए यहाँ मैं वीडियो के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा टाइम टाइम पर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपकी COAP यानी कि जो कॉमन पोर्टल फॉर एमटेक एडमिशन इन IITs के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, वो 2 तारीख से ओपन था, और आपका जो CCMT का रजिस्ट्रेशन है वो भी ओपन हो चुका है। तो आप दोनों पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कौन से पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, किस में टाइम देना चाहिए और आपको कहाँ कंसिडर करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए, जैसे आपको टाइम मिलता है। आप जल्दबाजी मत करिए, आराम से समझ लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज इस बार जो CCMT का जो काउंसलिंग करवा रहा है, जो कोऑर्डिनेटर है वो राहुल केरा करवा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, CCMT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पे जाना है आपको। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ का लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, या फिर डायरेक्टली मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उस पर क्लिक करके आपको सिंपली अपने आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको उसकी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको उसमें एक पूरा का पूरा आपको PDF फाइल में आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद जो रिपोर्टिंग सेंटर है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, वो भी आपको वहाँ लिस्ट मिल जाएगी। साथ ही आपको जो डेट्स हैं कि कौन सी डेट में या किस टाइम पीरियड में कौन कौन से जो इवेंट हैं वो परफॉर्म होंगे, वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो पूरी जानकारी को समझ लेना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आपको जब जो उसका डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें आपको ये भी दिया जाएगा, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे आपको काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं ब्राइफली आपको बता दे रहा हूँ कि बेसिकली होना क्या है। आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे CCMT के थ्रू, उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस आपके कितने स्कोर है, कितने नंबर है, उस हिसाब से आपको किस तरीके से काउंसलिंग करानी है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिकली CCMT की काउंसलिंग में प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर जो फीस है जो कि 2200 रुपये से और 1700 रुपये जो अलग अलग कैटेगरी के लिए है, उसकी डिटेल भी आपको वहाँ वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको वो फीस पे करके आपको अपनी चॉइस फिलअप करनी है। इसके लिए काफ़ी टाइम है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सोच के आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो आपको फिलअप करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी चॉइस फिलअप करनी है। जो फर्स्ट राउंड होगा जिसकी डेट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो भी आपको दी जाएगी, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी डेट आपको मिल जाएगी कि किस टाइम पीरियड में आपको कौन कौन सा राउंड परफॉर्म होना है। तो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होंगे। अगर आपको आपने जिस प्रेफरेंस में दिया है तो सबसे पहले टॉप कॉलेज कंसीडर होगा। अगर टॉप कॉलेज जो आपका स्कोर है वो टॉप कॉलेज मिलने लायक है तो आपको टॉप का कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज जिस हिसाब से आपका रैंक होगी या जिस हिसाब से आपका स्कोर होगा उस हिसाब से आपको उस लेवल का कॉलेज फर्स्ट राउंड में असाइन किया जाएगा। अब आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगी कि आप उस कॉलेज को एक्सेप्ट करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप उस कॉलेज को एक्सेप्ट करके अगले राउंड के लिए मूव कर सकते हैं। यानी कि अगले राउंड में मूव करने का मतलब है कि हो सकता है कि आपको उससे अच्छा कॉलेज मिले, उससे बेकार नहीं मिलेगा, यानी कि वो कॉलेज तो आपका फिक्स हो गया, उससे अच्छा अगर कोई कॉलेज है तो वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि फर्स्ट राउंड में कभी भी आप कॉलेज ना लें अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है तो आपको आगे वेट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप वेट करें, क्योंकि उसमें आपका कुछ जान ही रहा है। आपके क्लासेस तो तभी से स्टार्ट होगी जब सबका एडमिशन हो जाएगा, तो आप वेट करें अगले राउंड के लिए, तो उसको एक्सेप्ट करके अगले राउंड के लिए प्रोसीड करें। सिमिलरली लास्ट राउंड में आपके ऐसे मल्टीपल राउंड होंगे, सिमिलरली यही प्रोसीजर चलेगा बार बार। लास्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिलता है अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन होता है स्पोर्ट राउंड का। तो जिन लोगों के मार्क्स कम है या जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो स्पोर्ट राउंड के लिए वेट करें। तो जनरली आप रेगुलर राउंड में काउंसलिंग ना करवा के डायरेक्टली भी स्पोर्ट राउंड के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। मैं आपको सलाह दूंगा आपके नंबर कम है या आपको कॉलेज नहीं भी मिलने की उम्मीद है, तब भी आप रेगुलर काउंसलिंग पहले जरूर करवाएं, उसके बाद स्पोर्ट राउंड में आप काउंसलिंग करवाएं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट राउंड में एक ही बार आपको मौका मिलता है, उसमें कोई गलतियाँ ना हो जाएं, इसलिए आपको अगर आप रेगुलर राउंड में काउंसलिंग करवा रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से काउंसलिंग होती है।